हाय, मैं उज्मा खान। जायका दरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्याज की आल की सब्ज़ी। देखिए, ये मैंने प्याज की आल ली है। ये मैंने आधा किलो आल ली थी, इसको इस तरह से काट लिया है और धो लिया है, इसको वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। और मैंने ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। मैंने एक आलू को इस तरह से काट लिया है। अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग आलू ज़्यादा भी ले सकते हैं। यह मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर को काट लिया है। देखिए, मैंने यहाँ पे करीब 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल, और कुछ मसाले लिए हैं। 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है, नमक स्वाद अनुसार, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। अब देखिए, चलिए बनाने तरफ चलते हैं। हमने ये देखिए, हमने एक भगोना ले लिया है और फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। अब भगोने को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें तेल ऐड करेंगे। देखिए, भगोना गर्म हो गया है। अब यहाँ हम तेल ऐड करेंगे। यहाँ मैं तेल हाफ ऐड करूँगी। देखिए, मैंने इतना तेल बचा लिया है, बस इतना बचा लेंगे तेल। अब तेल को गर्म होने देंगे अच्छे से। ये देखिए, तेल में से हल्का सा धुआं उठने लगा है, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम हमारी जो प्याज की आल है इसमें ऐड कर देंगे। इसको तलेंगे अच्छी तरीके से। इसको हमें तलना है करीब 4-5 मिनट तक, ताकि हमारे जो आल है अच्छी तरीके से तेल में भुन जाए। इसको तलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तलेंगे तो इसमें कच्चापन रहेगा, इसको ज़रूर तले। इसको इस तरह से चला चला के बीच बीच में चलाते रहेंगे और करीब 5 मिनट तक तल लेंगे तेल में। ये देखिए, मैंने आल को जो है 5 मिनट तक अच्छी तरीके से तेल में भून लिया है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल ज़रा सी रह गई है, अच्छे तरीके से तल गई है बिल्कुल तेल में। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, स्टील के बर्तन में इसको निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए, मैंने प्याज की आल निकाल ली है प्लेट में। अब हम भगोना दोबारा से रखेंगे गैस पे, गर्म हो गया है। इसमें तेल ऐड कर देंगे जो बाकी बचा था हमारा। अब देखिए, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा को भूने लेंगे हल्का सा। अब इसमें बाकी के मसाले हैं, ये ऐड कर देंगे। और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे। तो देखिए, मैंने 1 कप पानी भी इसमें ऐड कर दिया है। पानी से ये हमारा मसाला जलेगा नहीं और अच्छे तरीके से भुन जाएगा। इसको चला देंगे। मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है करीब 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसमें कच्चापन बिल्कुल ना रहे। तो इसको हम मीडियम फ्लेम में कर दिए, 5 मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरीके से। अब देखिए, मसाले को मैंने 5 मिनट भून लिया है अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, आप देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ दिया है, अच्छी तरीके से भून गया है बिल्कुल ये। अब यहाँ पे हम आलू ऐड कर देंगे। आलू को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। और साथ ही इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे, ताकि मसालों के साथ में हमारे आलू गल जाएँ। और हम इसे मिला देंगे इस तरह से। अब इसको ढक कर करीब 2-3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि आलू गल जाए हल्के से और मसाले में बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। देखिए, मैंने ढक दिया है। आप 2-3 मिनट के बाद इसको खोल कर देखेंगे। ये देखिए, मैंने 3-4 मिनट तक खोल कर देखा है। इसको के बाद ये आलू हमारे हल्के से गल चुके हैं। अब इसमें हमने जो टमाटर लिए थे ऐड कर देंगे इसको, और साथ ही हमारी जो प्याज की आल थी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको चला देंगे। अब करीब इन सब चीज़ों को मिला के हमें 5 मिनट तक और पकाना है। देखिए, हमारी प्याज की आल जो हल्की सी अगर कच्ची रह गई होगी तो वो भी गल जाएगी और आलू गल जाएंगे, साथ में टमाटर भी गल जाएंगे। इसको हम ढक देंगे करीब 4-5 मिनट के लिए।
अब देखिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, मैंने करीब 5 मिनट तक अच्छी तरीके से सब्जी को बना लिया है। और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल पानी भी नहीं, एकदम भुनी भुनी सब्जी बनी है हमारी। अब ये आल की जो प्याज बनती है भुनी भुनी होना चाहिए, अगर इसमें पानी रहेगा तो ये अच्छी नहीं लगती खाने में। अब इसको हम सर्व करेंगे। अभी देखिए मैंने डिश में निकाल ली सब्जी, आप देख सकते हैं ये बहुत टेस्टी बनी। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।